고로바이요. 시시키라데키 अंतस्तल्मे सुषुप्त दैवी शक्ति को गुरु जागृत कर सकते हैं। गुरु मनुष्य के रूप में साक्षात ईश्वर ही हैं। शिष्य ने अगर पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए होंगे, वर्तमान जीवन में भी अगर वह शुभ कर्म करता होगा, अगर वह सन्निष्ठ हृदय वाला तथा ईश्वर प्राप्ति की तड़प वाला होगा, तो उसे सद्गुरु अवश्य प्राप्त होंगे। दुराग्रही शिष्य अपनी पुरानी आदतों से चिपका रहता है। वह भगवान की या साकार गुरु की शरण में नहीं जाता। यदि शिष्य सचमुच अपने आप को सुधारना चाहता है, तो उसे अपने आप के साथ निखालिस और गुरु के प्रति ईमानदार बनना चाहिए। परीक्षाएं व्यक्ति की प्रगति की मापदंड होती है। यह तथ्य जितनी प्रगाढ़ता से सांसारिक क्षेत्र में लागू होता है, उतनी ही शिद्दत से अध्यात्म पथ पर भी। आर्मेनिया के दार्शनिक व अध्यात्मवादी गुरु जीएफ तो इसके पक्के समर्थक थे। गुरु जीएफ को जानने वालों का कहना है कि किसी के लिए गुरु जीएफ का शिष्य बन पाना बहुत चुनौतीपूर्ण था। गुरु जीएफ खुद भी यह कहते थे। एक बार जिज्ञासु ने उनका शिष्य बनने का आग्रह किया। गुरु जीएफ बोले, मैं बहुत सख्त गुरु हूं, मेरा शिष्य बनना आसान नहीं है, सोच लो। दरअसल गुरु जीएफ के कड़क व्यवहार के आगे अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते थे। वे ऐसी ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर देते थे जिसमें व्यक्ति की जिज्ञासा, तपस्या, विश्वास, समर्पण सब कुछ खुलकर सामने आ जाता था। वही टिक पाता था जिसकी आस्था में जरा सी भी लड़खड़ाहट की गुंजाइश नहीं रहती थी, जिसे इस बात पर अणुभर भी संशय नहीं होता था कि गुरुजीएफ हर प्रकार से उसका सिर्फ और सिर्फ कल्याण ही चाहते हैं। गुरुजीएफ का कहना था कि गुरु की यह भूमिका होती है कि वह अपने शिष्य के रास्ते में मुश्किलें पैदा करे, निस्संदेह उसके उत्थान के लिए ही। शुरुआती दौर में छोटी छोटी मुश्किलें, लेकिन बाद में जब शिष्य को इस रास्ते की कीमत समझ आ जाए, इस पर चलने से मिलने वाली संपत्ति की महानता का अच्छी तरह एहसास हो जाए, तब गुरु मुश्किलों का कद ऊंचा कर दे, इतना ऊंचा जिसे पार कर पाना शिष्य के लिए सचमुच एक चुनौती हो। जब एक शिष्य ने यह सुना तो एकाएक पूछ बैठा, इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलें देखकर अगर कोई शिष्य पथ ही छोड़कर चला जाए तो उसका क्या होगा? गुरु जीएफ ने कहा,
कि कुछ नहीं होगा, वह तो ऊंचाई नहीं पा पाएगा। जहां उसके गुरु उसे पहुंचाना चाहते थे, वहां तक वह नहीं पहुंच पाएगा। जर्मनी में गुरु जीएफ ने एक आश्रम की स्थापना की। वहां यूरोपियन समाज के बड़े बड़े अमीर उन्हें सुनने आते थे। ये वे लोग थे जिन्होंने शायद ही अपने हाथों से पानी का ग्लास लेकर पिया हो, लेकिन गुरुजीएफ ने एक दिन उनके हाथों में कुदाल, फावड़ा इत्यादि पकड़ा दिया, साथ ही निर्देश दिया, आज कुछ भी करके इतनी फिट गहरा खड्डा खोदना ही खोदना है, चाहे आप सबको दोपहर का भोजन भी क्यों न छोड़ना पड़े, लेकिन इस काम को आज पूरा करना ही है। लक्ष्य मुश्किल था, ऊपर से उन लोगों को ऐसा काम करने की आदत भी नहीं थी, परंतु फिर भी वे सब के सब उस कार्य में जुट गए, यही सोचकर कि गुरु जीएफ का आदेश है। उनके ऐसा कहने और करवाने के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होगा। बिना रुके जैसे तैसे वे लोग खोदने में लग गए। शाम होते होते सबकी हालत खराब हो चुकी थी, वे बहुत थक गए थे और दर्द से कराह रहे थे। गुरुजीएफ ने जब उनकी ऐसी हालत देखी तो बुलंद स्वर में कहने लगे कि अरे, इतने में ही थक गए, अभी तो बहुत कुछ करना शेष है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। इतना सुनना था कि उनमें से अधिकतर की सारी श्रद्धा, भावना और आस्था तुरंत फुर हो गई। वे सोचने लगे, कहां तो पूरा दिन हमने अपने ओहदे को भूल कर इतना छोटा काम किया, केवल इस आशा से कि गुरुजीएफ हमारे इस कार्य से कुछ महत्वपूर्ण परिणाम निकालेंगे, हमारे इतने परिश्रम का एहसान मानेंगे, और कहां गुरुजीएफ ने हमारे चूर चूर शरीरों की तरफ बिना ध्यान दिए और खोदने को कह दिया। यह तो सरासर हमारी तौहीन पर तौहीन है। यही कुछ बड़बड़ाते हुए लगभग 90% लोग बाहर निकले और अपनी आलीशान गाड़ियों में बैठकर चलते बने। गुरुजीएफ दूर खड़े सब कुछ देखकर मुस्कुरा रहे थे। छलनी लग चुकी थी और छटाई भी हो चुकी थी। बाकी के 10% बचे लोगों को, जो अमीर होकर भी विनम्रता के धरातल पर थे, गुरुजीएफ ने प्रेम से बुलाया और कहा, चलो अब असली कार्य को करना सीखते हैं, जिसे सिर्फ धैर्य और नम्रता के भाव से ही सीखा जा सकता है। गुरुजीएफ ने फिर उन्हें उस खुदाई के पारिश्रमिक स्वरूप अध्यात्म का अनमोल खजाना पिलाया। हे साधक, गुरु की तपन से भागना मत, क्योंकि ये तपन परिपक्वता की जननी है।